आज मैं आपको मसूर दाल कोफ्ता करी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। मैंने इसे सिर्फ मसूर दाल से बनाया है, आप चाहे तो किसी अन्य दाल से भी बना सकते हैं। प्रोटीन से भरी न्यूट्रिशियस इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 से 8 घंटे भिगोए हुए मसूर दाल, जिसको एक मिक्सी के जार में डालकर अदरक लहसुन हरी मिर्च नमक और हल्दी के साथ एक पेस्ट बनाना है, एक बारीक सा पेस्ट बनाना है। जितनी अच्छी दाल भीगी हुई होगी उतना अच्छा ये सब्जी बनेगी। फिर हमें इस पिसी हुई दाल में डालनी है कटा हुआ प्याज, ये एक प्याज है कलौंजी, ये प्याज के बीज है, और ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स और एक सीक्रेट मसाला जो है भुना हुआ सौंफ का पाउडर। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसके डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। और एक चीज़ डालनी है, वो है खसखस। अगर आपके पास ये हो तो डालें, ये ऑप्शनल है। अगर ना हो तो, अगर सफ़ेद तिल हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और हरा धनिया डालें और इसे मिक्स करें। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसे फ्राई कर सकते हैं या तो फिर हाथों की सहायता से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कोफ्ते के आकार में इसे फ्राई कर लीजिए और दोनों तरफ से पलट के फ्राई करके इसे निकाल लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। अब चलिए इसकी करी बनाते हैं। इसके लिए भी हमें एक पेस्ट बनानी है, सिंपल सा अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है। किचन के बेसिक से मसाले हैं, सब्जियां हैं जो हमेशा अवेलेबल होती है। पेस्ट बनके रेडी है। अब बस 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल लेना है, या तो फिर आप व्हाइट ऑयल में भी बना सकते हैं। और कुछ खड़े मसाले इसमें नहीं डालने हैं, बस ये पेस्ट डाल देना है। अब इस पेस्ट को आपको फ्राई करना है, भुनना है अच्छे से। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा। फिर इसमें हल्दी नमक जो बेसिक से किचन के मसाले होते हैं वो सब डालना है, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर का पाउडर। देखिए अच्छे से ये भुन गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए ढक दें। इससे मसाला बहुत अच्छा से पकेगा और मसालों ने अपना तेल भी छोड़ देगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से मसालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तेल छोड़ चुका है और बहुत ही अच्छे से मसाले पक गए हैं। अब हमें इसमें डालनी है गरम मसाला। गरम मसाला मैंने पहले इसलिए नहीं डाला ताकि इसका स्वाद बरकरार रहे। ज़्यादा भून लेने से गरम मसाला का स्वाद चला जाता है। अब हमें इसमें डालनी है लगभग 2 कप पानी। जी हाँ, पानी इसलिए क्योंकि जब हम इसमें वड़े डालेंगे तो वो वड़े पानी को सोख कर लेगा। जब पानी बहुत उबलने लगे, उबाल आ जाए पानी में, अच्छा उबाल, तो फिर ये सारे वड़े को इसमें डाल दिया जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब वड़े डालने के बाद इसे थोड़ी देर उबालें और फिर इसमें कसूरी मेथी डालें हाथ से क्रश करके, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब बस सब्जी आपकी बन गई है। अगर हरा धनिया हो, फ्रेश हरा धनिया, तो आप इसे गार्निश करें। देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट, बिल्कुल। चम्मच लगाते साथ ही ये आधा हो जा रहा है। जब घर में कोई सब्जी मौजूद ना हो तो भी आप ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जी हाँ, इस तरह से हरा धनिया स्प्रिंकल करें और रेसिपी को सर्व करें। थैंक यू सो मच। इस तरह से चावल के साथ अब इसे सर्व करें घर में। मैं तो लंच में हमेशा बनाती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टाटा।